हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज ग्रेटर देन रूट 5.2। सपोज पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ आर इज। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अगर हमें कोई एक पॉइंट दे रखा है और हमें एक लाइन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होता है। पॉइंट है हमारा एक्स वन कॉमा वाई वन फ्रॉम फ्रॉम द लाइन, लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू होता है मॉट ए एक्स वन, हम यहाँ पे पॉइंट अप्लाई कर देते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। और इसके अलावा ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे थे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हो सकती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल्स है तो उनके पैरेलल है तो उनके जो स्लोप होंगे वो सेम होंगे, और दूसरी लाइन हो जाएगी एम एक्स प्लस सी टू। तो इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू ये होता है सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो हम इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका कि सेंटर ओ है, और पी क्यू एक इसकी कॉर्ड है जो कि इक्वेशन सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू इज, जो कि हमें यहाँ पे कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्कल दे रखा है और सर्कल की इक्वेशन जो दे रखी वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर हो गया वो हो गया 0.0 यहाँ पे सेंटर, और सेंटर को हमें रिप्रेजेंट किससे करना है, ओ से रिप्रेजेंट करना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और इसके बाद इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, और यहाँ से इसकी हमें कॉर्ड दे रखी है जिसका कि हमें इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे जो कॉर्ड के जो पॉइंट होंगे वो होंगे पी और क्यू। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ओपी क्यू, तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल ओपी क्यू देखना है, और इसमें आगे क्या कह रहा है, लाइज ऑन द लाइन जो कि जिसका कि सेंटर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4 पर लाई कर रहा है, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे पहले ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ये हमारा ओ हो गया, यहाँ पे हम पी ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्यू ले लेते हैं, तो ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये ओ पी क्यू ये हो गया, और इसका सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है कि इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर वो पास करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, किसी अलग कलर से ड्रॉ करते हैं इसको, तो ये कुछ इस तरह से ये यहाँ पर ये हमारा ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद में तो यहाँ पे हम कहीं इधर सेंटर ले लेते हैं सी, तो ये हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया जो कि एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4 पर लाई कर रहा है, तो इसको हम मिला देते हैं, और यहाँ से हम ओ क्यू को आर ले लेंगे क्योंकि रेडियस है हमारे पहले सर्कल की जो कि हमें क्वेश्चन में आर दे रखी है, तो ये हो जाएगी आर। यहाँ से पॉइंट को ले लेते हैं हम ए, तो यहाँ से हम सबसे पहले ओ ए निकाल लेते हैं, ओ ए हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, 0.0 से, और किस लाइन पर है, 2x प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0.0 में एक्स वाई की जगह पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से ये माइनस, ये 5 इधर आ जाएगा लेफ्ट में, तो माइनस 5 अपॉन यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और वाई का कोफिशियंट 4 है तो इसका स्क्वायर 16, तो कितना हो गया, ये हो गया 5/√20, ये आ गया। अब हम इसके बाद एसी फाइंड आउट कर लेते हैं, एसी क्या हो जाएगा, एसी है ये
दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये L1 और ये L2 दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस है एसी। तो हमने डिस्टेंस जो पहले लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हमने की कंसेप्ट में पढ़ा है, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पहली लाइन को लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 4। ये पहली लाइन के लिए हो गया। एल टू के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 2। तो यहां से हम एसी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एसी इज इक्वल टू ये हो जाएगा C1 माइनस C2। तो C1 हमारा ये है, C2 हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। 1 प्लस स्लोप दोनों के सेम है, माइनस 1 अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 4 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5/4। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो ये हमारा कुल मिलाकर के आ जाएगा मॉड को हटा करके, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा तो मॉड हटाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 3/2√5। तो एसी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3/2√5। तो अब हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक काम करते हैं, जो दूसरा वाला सर्कल है उसकी रेडियस को हम आर ले लेते हैं, इसकी जो रेडियस है इसको हम आर ले लेते हैं, यानी कि हम ओ सी इसकी दूसरे वाले सर्कल की रेडियस ही हो जाएगी, तो इसको हमने आर ले लिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरा आर, तो यहाँ से ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू सी क्यू। सी क्यू भी हमारी इसी सर्कल की रेडियस होगी, यहाँ से हम देखें तो ये जो है वो इसकी रेडियस ही होगी सी क्यू। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसमें भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो कहाँ से पॉइंट है 0,0 से 0,0 से और किस इक्वेशन पे है, इस लाइन इस वाली इक्वेशन पे एक्स प्लस 2y-4 = 0। तो क्या हो जाएगा 0 + 0 - 4 अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशियंट 1, वाई का कोफिशियंट 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा हमारा 4/√5। तो इस तरह से हमारा आर भी कैलकुलेट हो गया। तो अब हम यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास इधर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल बन रहा है ओ क्यू ए या फिर बोल सकते हैं ओ ए क्यू। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। ओ ए क्यू इन ट्राइंगल ओ ए क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। तो इसकी या फिर अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद हम दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे इन ट्राइंगल दूसरा यहाँ पे ए क्यू सी। तो ए क्यू सी में भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हाइपोटेनियस सी क्यू, तो सी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यू का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए सी क्यू क्या हो जाएगा, सी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सॉरी ए क्यू का ये स्क्वायर। तो यहाँ से इसको माइनस कर देते दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ओ क्यू का स्क्वायर माइनस सी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर और माइनस ए सी का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारा सबसे पहले ए क्यू ओ क्यू क्या है, ओ क्यू की वैल्यू है हमें यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू कितनी है आर है, उसके बाद में ओ ए की वैल्यू 5/√20, ए सी की वैल्यू है 3/2√5 और ओ सी और सी क्यू यानी कि आर की कैपिटल आर की वैल्यू 4/√5। तो सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये है आर स्क्वायर माइनस ये है 4/√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू है 5/√20 का होल स्क्वायर माइनस एसी की वैल्यू कितनी है, एसी की वैल्यू आई है हमारे पास में 3/2√5 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस ये बनेगा 16/5
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 अपॉन 20, ये हो जाएगा माइनस 9 अपॉन 20. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4 और आर की वैल्यू आ जाएगी 2, तो रेडियस पॉजिटिव ही होगी तो आर की वैल्यू आ गई 2. तो यही हमारा आंसर है, हमें यही क्वेश्चन में फाइंड करना था. तो होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक.